नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल MIS स्टडी सर्किल में। आज बहुत ही खास टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और इसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा करी है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से क्या पता किस तरह का क्वेश्चन आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस तरीके से भारत की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसका इवोल्यूशन, उसका विकास किस प्रकार हुआ, यूपीएससी हो सकता है वहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले। ये ज़रूरी ना होकर कि क्या आपका नई एजुकेशन पॉलिसी कोई एजुकेशन ना कोई क्वेश्चन ना पूछ कर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या जो इस तरीके का इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि जो उपनिवेश जो काल चल रहा था इंडिया में, उस समय मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से विकास कर रहा था, यही आज हमारा टॉपिक रहेगा। देखते हैं, देखिए। सो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। आज की जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो ब्रिटिश पीरियड में जिस चीज़ का विकास हुआ था उसी पर आधारित है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट टू एजुकेट इंडियन। देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार करना, ये आप जानते ही हैं, मुनाफा कमाना। भारतीयों को एजुकेट करने की कोई उनकी मंशा नहीं थी और ऐसा हमें दिखता भी नहीं है पहले चरण में। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, हमने इसके 5 चरण रखे हैं। फर्स्ट फेज जो है वो चलता है कब से, 1758 से 1812 तक। तो इस दौरान हम देखते हैं कि एजुकेशन क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कम, बहुत ही लिटिल इंटरेस्ट दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी हमको दो तीन चीज़ों का विकास देखने को मिलता है। एक तो है कलकत्ता मदरसा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसकी स्थापना करी थी वॉरन हेस्टिंग ने 1781 में कैलकटा में। और दूसरा नाम मिलता है हमको संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी बाय जोनाथन डंकन ने, कब, 1792 में। क्यों बनाया गया था ये देखते हैं, क्यों बनाया गया था। देखो, पर्पज ऑफ कैलकटा मदरसा वॉज टू स्टडी एंड टीचिंग रिलेटेड टू द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ से संबंधित जो भी नियम कानून थे, उनकी जो भी शिक्षाएं थे, उनको समझना था। कि हमको शिक्षित नहीं कर रहे थे उस बारे में, अपने आप को शिक्षित कर रहे थे कि किस प्रकार से मुस्लिम लॉ इंडिया में काम करता था। यही पर्पज किसका रहा होगा, संस्कृत कॉलेज का। ठीक है, लुक आफ्टर द स्टडी ऑफ द हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, भारतीय दर्शन और जो हिंदू के जो नियम कानून थे उसको समझने के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो ये अपना पर्पज सॉल्व कर रहे थे, ना कि हमारा। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी संस्था का गठन होता है जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना करी थी विलियम जोन्स ने 1784 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने जितने भी भारतीय ग्रंथ थे, फारसी में लिखे हुए, संस्कृत में लिखे हुए, उन सब का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। अंग्रेजी में अनुवाद करवा के बाद में फिर भारतीय जो भी बुद्धिजीवी रहे होंगे उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया। बड़े मजे की बात है कि हमारा जो हिंदी लैंग्वेज जिसकी हम जो हम बोल रहे हैं आजकल, वो हिंदी में बुक्स नहीं लिखी जा रही थी, संस्कृत या फारसी भाषा में लिखी गई थी। वो किस में ट्रांसलेट करी गई थी, इंग्लिश में। फिर बाद में इंग्लिश का पढ़ के किस में ट्रांसलेट किया गया होगा, हिंदी में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसेटिक स्टडी बंगाल ने भारत के जितने भी ग्रंथ थे, अधिकतर इंपॉर्टेंट, उन सब का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये पाया कि भारतीय लोग थे तो बड़े कुशल, लेकिन भारतीयों को ये बताया गया कि उनमें कुशलता शासन करने की नहीं है, ये सारी कुशलता किसके अंदर है, अंग्रेजों में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है 1813 में। आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट आया था 1813 का, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी से ये दरख्वास्त की गई थी कि, दरख्वास्त क्या कहेंगे उसको हम, इस चार्टर के जरिए कंपनी को कम से कम हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे, किसमें, शिक्षा के विकास में। ठीक है, तो बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंपनी हैव टू स्पेंड ₹1 लाख एनुअली फॉर एनकरेजिंग लर्न इंडियंस एंड प्रमोशन ऑफ द मॉडर्न साइंसेस। देखिए, जितने भी जो शिक्षित भारतीय थे उनको और भी एनकरेजमेंट करना है, किस चीज़ में, शिक्षा देने में। ये फैसला हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट में। और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने काफ़ी दबाव डाल रखा था कि जिस जगह पर आप शासन करते हैं वहाँ के लोगों को शिक्षित करना भी आपका काम है। लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें इतना ध्यान दे भी नहीं रही थी। लगभग 10 साल तक टाल मटोल ही चल रहा था। तो 1823 तक कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किए गए थे चार्टर एक्ट के जरिए, जो भी कानून बनाया गया था उसमें। ठीक है, सम कॉन्ट्रोवर्सीज वर ऑल्सो विटनेस ड्यूरिंग दिस फेज। देखिए, इस दौरान ये जो दूसरा दूसरा फेज चल रहा है इसमें कुछ विवाद भी देखने को मिलता है हमें। वो ये कि एक पक्ष चाहता है कि पश्चिमी शिक्षा दी जाए,
और एक पक्ष चाहता है कि जो ओरिएंटलिस्ट कहते हैं इसको हम, कि उसमें भारतीय शिक्षाओं फारसी भाषा में या संस्कृत भाषा में जो दी जानी है उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन अंत में क्या चीज़ स्टैब्लिश हुई, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही जो भी कोशिश की गई थी वही स्थापित की गई, जिसमें नाम आता है किसका, थॉमस मैकॉले का। मैकॉले का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कहते हैं मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835, ठीक है, एक मैकॉलेज मिनट के नाम से मशहूर, ठीक है। वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन दिस फेज, ही आर्ग्यू इन हिज फेमस मिनट, स्मरण लेख कहते हैं इसको, दैट इंडियन लैंग्वेज वर नॉट सफिशियंट डेवलप टू सर्व द पर्पस। भारतीय भाषा जो है वो इस प्रकार से उनका विकास नहीं हुआ है जिससे कि जो हमारा पर्पस सॉल्व कर सकें। तो ओरिएंटल लर्निंग वॉज कम्प्लीटली इन्फीरियर टू द यूरोपियन लर्निंग। भारतीय भाषाओं में जो भी शिक्षा दी जाती है वो यूरोपीय भाषा की तुलना में काफ़ी क्या है, इन्फीरियर है, ऐसा मानना है किसका, लॉर्ड मैकॉले का। तो एक प्रकार का रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया सरकार के सामने, लॉर्ड मैकॉले ने किया, और विलियम बेंटिक की गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी भी दे दी, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी तेजी से इसमें प्रतिक्रिया दिखाई और इन सबको अडॉप्ट भी कर लिया, और क्या कर दिया, एंड मेड इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हिज स्कूल एंड कॉलेज। इनके द्वारा स्थापित जो भी स्कूल और कॉलेज थे उसमें अंग्रेजी माध्यम को रखा गया, ठीक। ऑल दिस लेड टू द नेगलेक्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ द मासेस बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ होगा, जो आम जनमानस है वो एक तरह से छोड़ दिए गए पीछे, क्योंकि सरकार खुद एजुकेशन में बहुत अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो इस खामी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, सरकार ने कहा देखो, गवर्नमेंट ट्राई टू कवर अप दिस डिफेक्ट बाय गिविंग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। देखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो किसका माना जाता है, लॉर्ड ऑकलैंड का। लॉर्ड ऑकलैंड की थ्योरी है ये कि अगर हम कुछ सीमित अपर और मिडिल क्लास के लोगों को शिक्षित कर दें तो वो जो शिक्षा है वो धीरे धीरे एजुकेट जो नीचे वाले जो नीचे तबके के जो लोग हैं अपने आप पहुंच जाएगी। तो इसको क्या कहा गया है, अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, ठीक है। यानी कि जो नॉलेज है वो अपर से लोअर, मिडिल, फिर मिडिल से लोअर की तरफ आएगी। ये तरीका था उनको ये बताने का कि किस तरीके से हम अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं। थर्ड फेज देखिए कब स्टार्ट होता है, 1854 में, और कब तक चलता है, 1900 तक, यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक। यहाँ पर शुरू होता है, देखिए लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा आपने, उस समय एक चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषित किया गया, जो बहुत बड़ा दस्तावेज माना जाता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत के इंग्लिश शिक्षा में ये एक बहुत बड़ा क्या माना जाता है, मैग्ना कार्टा, काफ़ी बहुत मतलब व्यापक एक दस्तावेज है जिसको आपको पढ़ना चाहिए विभिन्न किताबों से। दिस डिस्पैच रिजेक्टेड द फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसने क्या किया, जो इससे पहले जो लॉक ऑकलैंड का जो फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी उसको उसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड एन एडुकेटेड व्हाट, जनमानस को भी शिक्षित किया जाना चाहिए, इसकी इसने वो करी। महिलाओं को शिक्षित किया जाना है चाहिए, इसकी इसने वकालत करी है। एंड अदर मेजर्स टू बी सेटअप, ठीक है, और भी कई सारे कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लोवेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन टू द हायर स्टेज ऑफ द एजुकेशन, ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपको। जो हायर लेवल एजुकेशन का और जो प्राइमरी लेवल है एजुकेशन का, इनके बीच का समन्वय काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ऐसा बताया गया है कि इसमें लॉ सॉरी चार्ल्स वुड डिस्पैच के इस दस्तावेज में, इसको जो मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी के टाइम समय होने वाली ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। वेरियस यूनिवर्सिटीज केम इन टू एग्जिस्टेंस, इसके जरिए कई सारे विश्वविद्यालय स्थापित हुए उन दिनों, जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुआ था, बॉम्बे का भी उसी साल हुआ था 1857 में, मद्रास का भी 1857 में, और इलाहाबाद का हुआ था 1887 में। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में भी लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कई सारे विश्वविद्यालय स्थापित हो गए थे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसी फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हमको देखने को मिलती है, और वो है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी 1882 में, ठीक है। इस समय लॉर्ड रिपन भारत के क्या थे, वाइसरॉय थे। लॉर्ड रिपन ने इसका गठन किया टू इंक्वायर अपॉन द आउटकम्स एस्टैब्लिश बाय द वुड डिस्पैच इन 1854। इसका गठन इसलिए किया गया, वो ये जानना चाहते थे कि जो वुड डिस्पैच की स्थापना हुई थी 1854 में, उसने अब तक किस प्रकार से प्रयास किया है, कहाँ तक वो सफल रही है, एंड टू सजेस्ट सम मेजर्स इन रिगार्ड ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से किस कमीशन ने सबसे पहले एम्फोसाइज किया, तो उसका नाम होगा क्या, हंटर कमीशन। एंड शुड बी प्रोवाइडेड इन लोकल लैंग्वेज, और इसको किस भाषा में दिया जाना चाहिए, स्थानीय भाषा में। और इसका नियंत्रण किस पर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसका क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। तो हंटर कमीशन इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इट ऑल्सो एनकरेज द वुमेन एजुकेशन एज वेल, इसने महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया था। सॉरी, सो गवर्नमेंट एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इट्स रिकमेंडेशन, सरकार ने इसकी जो भी इसने रिकमेंडेशन की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था और लागू भी किया था। इसमें एक मैंने रिमार्क लिखा है आप लोगों के लिए, वो ये, कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द सम ऑफ द फील्ड ऑफ द एजुकेशन शुड बी एनकरेज बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस एज वेल। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आए कि निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन कब दिया गया था कि वो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकती है, तो वो है क्या, हंटर कमीशन, किसका, कब का, 1882 का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, अब आता है फोर्थ फेज, यानी कि अब हमारी 20वीं शताब्दी शुरू हो चुकी है। चौथा चरण शुरू होता है 1901 से। इस समय आप जानते ही हैं कि लॉर्ड कर्जन भारत के नए वायसराय थे, और लॉर्ड कर्जन के समय जो भी घटनाएं हुई थी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो वायसराय बनते हैं, एक नए युग की शुरुआत होती है, द न्यू एरा स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड यूनिवर्सिटीज कमीशन, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द थॉमस रेले। थॉमस रेले की अध्यक्षता में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया था। ठीक है, और इस प्रकार इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का पास किया गया था। इस एक्ट में होता क्या था कि गवर्नमेंट का जो दखल था यूनिवर्सिटी के लेवल पर, वो काफ़ी अधिक बढ़ गया था। बाद में हम देखेंगे कि इसका इसका खंडन करते हैं कौन, 1917 में सैडलर आयोग। इट पर्पज वॉज टू इन्फ्यूज क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इससे हुआ क्या था कि सरकार का दखल काफ़ी बढ़ गया था इसमें। इन द टाइम्स ऑफ द लॉर्ड कर्जन, इनके साथ साथ लॉर्ड कर्जन के समय में कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुल गया है, और क्या खुला है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी संगठन, मतलब वो भी हरकत में आया था, और आज तक क्या है, चल रहा है। आगे देखते हैं कि इस फेज में क्या होता है कि 1913 में भारत सरकार ने एक रिजोल्यूशन पास किया, किसमें, एजुकेशन में, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विच एम्फसाइज ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन ईच प्रोविंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है ये फैक्ट। इट एम्फसाइज ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इन ईच प्रोविंसेस, प्रत्येक प्रांतों में विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए, ऐसा इस रिजोल्यूशन के द्वारा कहा गया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, ठीक है, टीचरों को, यानी कि जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने की भी बात कही है, किसमें, इंडिया रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन वाले दस्तावेज में। ठीक है, और वो टीचर कौन से होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के, ठीक है, इनको क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर दो बार टिक मार देता हूँ, देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1913 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन ऑन द एजुकेशन वॉज पास्ड, विच एम्फसाइज ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इन ईच प्रोविंसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सैडलर आयोग आता है 1917 में, और ये हमारा चौथा चरण चल रहा है। वॉज फॉर्म्ड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ विवाद चल रहा था, और उसमें जो भी कार्य चल रहे थे उसको रिव्यू करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर माइकल सैडलर। इसमें दो अन्य सदस्य भारतीय थे, एक का नाम था आशुतोष मुखर्जी, और एक का नाम क्या, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर द इंडियन मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन। कमीशन का नाम क्या है, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग ने यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 को क्या किया, खंडन किया था उसका, ठीक है, इसका खंडन किया, और यह सलाह दी कि सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी ब्रॉट अंडर द बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन नाम की एक संस्था बनाई जाए, जिसके अंतर्गत 12वीं कक्षा को रखा जाए, ठीक है, उसको यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। तो इनकी सिफारिशों के आधार पर बोर्ड बना। आपने यूपी बोर्ड का नाम सुना होगा, यूके बोर्ड का नाम सुना होगा, दिल्ली बोर्ड का नाम सुना होगा। तो भारत में जो सबसे पहला जो बोर्ड है उसका नाम क्या है, यूपी बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए, मेरा तो ये मानना है। फर्स्ट सच बोर्ड एस्टैब्लिश्ड वाज यूपी बोर्ड इन 1921 एंड कंडक्टेड इट फर्स्ट एग्जाम इन 1923। इसने अपना पहला एग्जाम भी कराया कब, 1923 में, विच वॉज बेस्ड ऑन 10+2 पैटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पहली बार एग्जाम कराया गया था 1923 में बोर्ड एग्जाम, वो किस प्रणाली का था, 10+2, इसको आप पढ़िएगा आप, ठीक है। ग्रेजुएशन हैविंग
3 ईयर कोर्स, ग्रेजुएशन का कितने साल का कोर्स होना चाहिए, 3 साल का। और ये भी सलाह दी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर एट द यूनिवर्सिटी लेवल, विश्वविद्यालय के स्तर पर एक वाइस चांसलर भी होना चाहिए, ये सलाह दी थी किसने, सैडलर आयोग ने, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7 नई यूनिवर्सिटीज बनती हैं, मैसूर, अलीगढ़, लखनऊ, पटना, ढाका, उस्मानिया आंध्र प्रदेश में है और बनारस, ये 7 नई यूनिवर्सिटीज बनती हैं। कब, 1921 तक, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेज को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लास्ट फेज क्या है, फिफ्थ फेज विच वॉज स्टार्टेड इन 1921 एंड कंटिन्यू टिल इंडिया अटेन इट्स इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी तक ये फेज चलता है, देखते हैं क्या है इसमें। बाय दिस टाइम थ्रेड्स ऑफ द इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज एज्यूम्ड बाय द एमके गांधी, आप जानते होंगे कि 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था और इस समय गांधी जी के हाथों में पूरी तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट की पावर आ चुकी थी और इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन और उनके साथ कई और महिला लोग थे जिनका नाम था लाजपत राय और एनी बेसेंट, ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा पर इनका विशेष जोर था, ठीक है, और उनके इनका साथ मिल रहा है और भी नेता है लाजपत राय एनी बेसेंट, इन दोनों ने भी नेशनल एजुकेशन को एनकरेज करने की बात कही थी। ऐसा पहली बार हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम एजुकेशन ऑफिशियली केम अंडर इंडियन कंट्रोल बाय द मॉन्टफोर्ट एक्ट ऑफ 1919, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना आप लोग, ठीक है। मॉन्टफोर्ट एक्ट में और भी कई सारे प्रोविजन थे जिसमें एजुकेशन के लिए बात कही गई, ठीक है। 1929 में एक और कमेटी बनती है जिसका नाम है हार्टो कमेटी, हार्टो कमेटी बनाई जाती है फटाफट, अपॉइंटमेंट ऑफ 5 मेंबर कमेटी बाय द साइमन कमीशन, इस 5 सदस्यीय समिति की स्थापना साइमन कमीशन ने करी थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन, सर फिलिप जोसेफ हार्टोग, इसीलिए इस कमेटी का नाम क्या पड़ा है, हार्टोग कमेटी, ठीक है, हार्टोग कमेटी। और इसका जो मुख्य था वो क्या था, प्राइमरी एजुकेशन पे अधिक से अधिक क्या देना, जोर देना, और साथ में ये बात भी कही है कि स्टूडेंट्स ऑफ द रूरल बैकग्राउंड जो ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं उनको मिडिल तक यानी कि छठी क्लास तक पढ़ाया जाए और देन दे शुड बी गिवन द इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इसके बाद उनको औद्योगिक तथा वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, ऐसा कहा है किसमें, इस हार्डो कमेटी में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डो कमेटी, सेंट्रल आयोग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें आपको डिटेल में किस किताब से पढ़नी चाहिए, ठीक है, हम तो यहाँ पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आपको इसके बहाने किताब पढ़ने का फिर से क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं बताऊंगा कौन सी किताब पढ़नी है आपको। रिफॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज लेवल वाज आल्सो रिकमेंडेड टू बी गिवन ओनली टू डिजर्विंग कैंडिडेट, देखिए 12वीं क्लास में कई लोग फेल भी हो रहे थे और सरकार काफी चिंतित थी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमारे पास कोई परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो ये फैसला लिया गया होगा कि यूनिवर्सिटी पर वही छात्र पढ़े जो उस लायक है, ऐसी बात भी कही गई किसमें, हार्टो कमेटी में। अब देखते हैं आगे वर्धा स्कीम क्या है, वर्धा स्कीम आती है 1937 में और इस स्कीम को पुट फॉरवर्ड किया है किसने, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, अखबार में उनके कई सारे कॉलम भी आते थे, उनकी एक मैगजीन है जो वीकली निकला करती थी जिसका नाम है हरिजन और हरिजन में वो कई सारे आर्टिकल लिखते थे और इसी आर्टिकल की एक श्रृंखला है जिसमें उन्होंने इन सब बातों को कहा है। इनका ये मानना है कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राइमरी वाली दी जानी चाहिए और माध्यम क्या होना चाहिए, भाषा पढ़ाई का ये होना चाहिए क्या, मातृभाषा, जिस भाषा में वो सहज महसूस करते हैं उसी भाषा में बच्चों को क्या है पढ़ाया जाना चाहिए, दैट इज इन द मदर टंग। तो राष्ट्रीय शिक्षा की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो वर्धा में आयोजित हुई, कहाँ, कब, 1937 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्धा स्कीम के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ लीजिए, वर्धा स्कीम हाउएवर वाज नॉट इंप्लीमेंटेड, देखिए वर्धा स्कीम 1937 में हुई और आपको याद होगा कि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था जिसकी वजह से सरकार ने इन सभी स्कीम्स के बारे में कुछ खास विचार नहीं किया, बट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो केंद्र और राज्य सरकारों ने दोनों ने इस स्कीम को अपने अपने तरीके से लागू किया और जो भी एजुकेशन पॉलिसी वो लोग फॉर्मुलेट कर रहे थे उनको अपने तरीके से क्या किया, लागू किया, यानी कि गांधी की जो ये जो स्कीम थी वो आजादी के बाद हमें उनके संविधान में देखने को मिलती भी है, ठीक है। लास्ट
इसका है सर्जन प्लान जो कब आया 1944 में, ये एस जे पी सर्जेंट की अध्यक्षता में बनाई गई थी प्लान। प्रेजेंटेड द रिपोर्ट ऑन द पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, युद्ध के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है उस पर इन्होंने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट दी है सर जे पी सर्जन ने, इसलिए इसको सर्जन प्लान भी कहा जाता है। इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन्होंने कहा है थी एम्फसाइज प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर स्कूल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years ऑफ एज, ठीक है, एम्फसाइज प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years ऑफ एज, ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा दी जानी चाहिए, इसकी उन्होंने वकालत करी है। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक आवश्यक और फ्री प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द 6 to 14। इन्होंने भी उन्हीं सब बातों को कहा, कुछ बातों को जो मैच कर रही है किससे, वर्धा वर्धा की स्कीम से, ठीक है, और भी कई सारे रिकमेंडेशन दे दिए हैं उन्होंने कि क्या वो सबको पढ़ना चाहिए इसको। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने लास्ट में इसमें, मोस्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट विच टुक प्लेस ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नाउ रिफ्लेक्ट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो भी विकास हमारा शिक्षा में इस दौरान हुआ था वो सब का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें संविधान में दिखाई देता है। एंड वेरियस एजुकेशन पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय आर गवर्नमेंट, ये भी हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। देखिए जब भारत आजाद हुआ तो उसके 1 साल बाद एक और आयोग बनाया गया था राधा कृष्ण आयोग, और उनकी सिफारिश के आधार पर 1953 में यूजीसी की स्थापना करी गई थी। और इस तरीके से सरकार ने समय समय पर एजुकेशन पॉलिसीज बनाई। 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी थी, और हाल ही में जो बहुत चर्चा में है इस समय वो है 2020 की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में घोषित की थी, और आज ही इन्होंने क्या नाम है इसके बारे में भाषण भी दिया है, इसको समझाने की कोशिश करी है कि युवा किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। संविधान में भी इसको काफी जगह दी गई है, देखिए आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 45 ए डीपीएसपी के रूप में, और आर्टिकल 51 के जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, 11वीं जो ड्यूटी है उसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है। सो दिस ऑल वी हैव फॉर द टुडेज लेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको बुक से पढ़िए, बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग अगला लेक्चर बनाएंगे, देखेंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको समझ सके हैं तो इसका रिविजन भी करिएगा, अपनी बुक्स को पढ़िएगा। बुक का नाम बता रहा हूँ आपको, बीएल ग्रोवर इज द बेस्ट बुक, ठीक है, बीएल ग्रोवर एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफी अच्छा लिखा है उसमें, उसको आप 2-3 बार पढ़िए, फिर उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।